अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मेंटोरिंग प्रोवाइड करते हैं। इस सिलसिले में हम आपको कुछ यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने हार्डवर्क और कन्विक्शन से सक्सेसफुल वेंचर्स इस्टेब्लिश किए हैं। जी, तो आइए मिलते हैं मिस माइन भट्ट से। जी माइन, आप हमें कुछ अपने और अपने बिजनेस के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम माइन, मेरा नाम है रीना, बट आई डू माई वर्क बाय माई निक। मेरे बहन भाई की कोई शरारत है, उन्होंने मेरा एक नाम डिफरेंट सा डाल दिया हुआ है। एवरीवन कीज़ आस्किंग मी अबाउट माई नेम। खैर, आई एम अ होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर। मैं घर से केक्स, आइसक्रीम्स एंड इस तरह का बिजनेस करती हूँ। हम घर से बना रहे थे, वी वर डिलीवरिंग इट टू डिफरेंट पीपल बेसिकली इन लाहौर। ऑनलाइन पेज से, इंस्टा से, फेसबुक से लोग ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद फिर इनिशियली ग्रू और अब दो डिफरेंट शॉप्स हैं, एक डिफेंस में, एक जोहान टाउन में है, जहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट्स आउटसोर्स कर रही हूँ। आई डू क्लासेस, आई डू डिफरेंट स्टॉल्स बड़े फेस्टिवल्स वगैरह के ऊपर। आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल, रेसिपी वीडियोस, द वर्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी महीन, इस सारे प्रोसेस में बीइंग अ फीमेल आपने क्या हर्डल्स फेस की और आपने उनको किस तरह ओवरकम किया? किसी भी बिजनेस में आई थिंक अगर मेल हैं या फीमेल हैं, आइदर वे चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आई फील इन आर सोसाइटी फीमेल्स को शायद चैलेंजेस ज़रा थोड़े ज़्यादा बेयर करने पड़ते हैं। फर्स्टली आई फील इन अंडर मोस्ट सर्कमस्टांसिस इज दैट पीपल डोंट टेक फीमेल एज सीरियसली एज दे वुड टेक अ मेल, के भी मेल ने तो घर चलाना है और उसने काम करना ही करना है। फीमेल को शौक चढ़ाए, कुछ दिन बाद भूल जाएगी सारा कुछ, ठीक है। उसके अलावा वैन यू गो आउट एंड यू मार्केट यू थिंग, सर्टन टाइम्स लोग इस चीज़ की लेवरेज लेने की कोशिश करते हैं कि आप फीमेल हो, आपको प्राइस ज़्यादा बताएंगे, कॉस्ट फॉर द सप्लाइज इन थिंग्स। फिर बीइंग अ फीमेल जाहिर है, आउट एंड अबाउट होना, बाहर निकलना, अपनी जो आपकी फैमिली वैल्यूज़ हैं उनको साथ लेके चलना, काफ़ी चैलेंजेस हैं जो बेयर करने पड़ते हैं और उसके साथ ही फिर इसको आगे से लेके चलना पड़ता है। आपने किस तरह ओवरकम किया इन चैलेंजेस को? आई मेड अ सेट ऑफ रूल्स, लाइक आई एम अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस रिस्पेक्ट, इवन दो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मैंने एक प्रोफेशनल सेटअप डिज़ाइन किया कि मैंने अपनी घर की जो एक एनवायरनमेंट है या जो मेरी तरबियत है और जो हमारी सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ फीमेल, उसके अंदर रह के काम करना है। अपनी स्ट्रेंथ है तो मैंने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मेरे क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती, किन टाइम्स पे मैं सर्व करूँगी, किन टाइम्स में राइडर से डील करूँगी, किस टाइम मैंने कहना है बस भी अब मैं इससे लेट आपको सर्व नहीं कर सकती। लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म लेके आना पड़ता है आपको चीज़ों के अंदर, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ती है। अगर अगले बंदे को पता हो कि यू नो व्हाट यू डूइंग एंड यू आर अ प्रोफेशनल, देन पीपल टेक लेस लेवरेज आउट ऑफ यू, लेस एडवांटेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ आपके अंदर हो, आप में पैशन हो, हर तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए आप तैयार हो, तो फिर कोई चीज़ चैलेंज नहीं होती। ओके महरीन, आप हमारी यंग बच्चियाँ जो कि सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी, बिजनेस इज नॉट, मे बी अर्निंग मनी इज़ नॉट द गोल। आई थिंक एवरी वन शुड हैव वन आइडेंटिटी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने चाहे उससे अर्निंग करनी है या नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा तो किसी ना किसी काम के लिए भेजा होगा, ठीक है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्पेशलिटी है जो अभी तक आपने डिस्कवर नहीं की हुई। इवन हाउस वाइफ या लेडीज़ हु डोंट वॉन्ट टू वर्क, उन्हें भी कोई पैशन, कोई हॉबी घर के लिए भी फॉलो करनी चाहिए। हफ्ते में कम अज़ कम 4 घंटे अपनी ज़ात के लिए निकालें। आपको पेंटिंग का शौक है, आपको कुकिंग का शौक है, यू आर इन टू क्राफ्ट, यू आर इन टू सिंगिंग, म्यूज़िक, जो भी आपका पैशन है, आप उसको फॉलो ज़रूर करें और अपने आप को आइडेंटिफाई करें। उसमें फिर एडिट प्लस ये हो जाता है कि अगर इफ़ यू वॉन्ट, आप इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चल सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अपने आप को इस चीज़ पे लेके आएँ कि ये दिमाग से निकाल दें कि आप फीमेल हैं। जो हम सोचते हैं ना कि फीमेल है, अच्छा मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे करूँगी, ये डर निकालें और अपने आप पे, अल्लाह पाक पे फेथ लेके और विदाउट एनी हेल्प आपने सोचना है कि ये मैंने इसको लॉन्च करना है, आई विल मेक इट हैपन, आई विल मेक अ मार्क। तो इंशाल्लाह आई हैव सीन कि अगर आप में पैशन हो, आप में पॉजिटिविटी हो, आप एक अच्छे तरीके से एक चीज़ को, आप में वो एक विजन है कि मैंने ये चीज़ करके दिखानी है, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर क्या है। थैंक यू सो मच माइन फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस एंड योर टाइम। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी, जजाकअल्लाह, थैंक यू सो मच।